राज्यपाल जी से मिलेंगे, उनको ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे ये आग्रह करेंगे कि बिहार की सही परिस्थिति वो कम से कम केंद्र सरकार को बताएं, युवा के आक्रोश को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम करें और उनसे आग्रह करें कि कितना ज़रूरी है जल्द से जल्द इस कानून को वापस लें। युवा है हमारे प्रदेश के भाई, आपके बच्चे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। कल पटना की सड़कों पर बवाल होना तय है, क्योंकि आरजेडी हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस, सब जो है वो पटना की सड़कों पर होंगे। आप भी कल पटना की सड़कों पर आंदोलन करने वाले हैं? कल आंदोलन नहीं, एक शांतिपूर्वक मार्च हम लोग निकालेंगे। मुझे लगता है शांति के तरीके से भी अपना विरोध दर्ज कराया जा सकता है। हिंसा का मैं कभी समर्थक मैं नहीं रहा हूँ, इसीलिए कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम नेता अपने चेहरे पे पट्टी बांधकर एकदम शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग जाएंगे, महामहिम राज्यपाल जी से मिलेंगे, उनको ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे ये आग्रह करेंगे कि बिहार की सही परिस्थिति वो कम से कम केंद्र सरकार को बताएं, युवा के आक्रोश को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम करें और उनसे आग्रह करें कि कितना ज़रूरी है जल्द से जल्द इस कानून को वापस लेना। एक आखिरी सवाल है, कल पटना के सड़कों पर लगभग विरोधी पार्टियां जो हैं वो सड़कों पर रहीं, क्या आपको नहीं लगता कि एक साथ होना ज़रूरी था अगर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना है तो? आरजेडी के साथ अगर आप होते एक साथ पर? देखिए, एक साथ उतरने के मायने भी नहीं है भाई, अगर बातें अगर हम लोग एक कर रहे हैं, अलग अलग जाकर ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग के लोगों को अपनी बातों से जागरूक अगर हर पार्टी कर रही है तो वो भी अच्छी बात है। गिरिराज सिंह ने कहा कि आरजेडी के गुंडे जो हैं उत्पात मचा रहे हैं। गुंडे शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है भाई, युवा हैं हमारे प्रदेश के भाई, आपके बच्चे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? कल को घर का अगर एक बच्चा अगर कुछ शैतानी करेगा या अपनी नाराज़गी अगर जाहिर करेगा तो आप उसको गुंडा, आप उसको आतंकी, आप उसको हुड़दंगी बोलेंगे क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? गुंडा शब्द क्या होता है भाई? बिहार के बच्चे हैं, बिहारी हैं, बातचीत कीजिए ना उनसे, उनसे बातचीत कीजिए। दिक्कत तो यही है सरकारों में कि भाई आप बातचीत करते नहीं है, सीधा लाठी उठा लेते हैं। आप उनको एक कम्युनिकेशन का एक रास्ता दीजिए, पूछिए उनसे कि उनकी क्या समस्याएं हैं, किस बात को लेकर उनका एतराज़ है, बातचीत का रास्ता तो खोलिए। जिसको हमारे देश के युवा पूरी मजबूती से, और मैं सरकार से भी, भाई जब आप इस योजना को लेकर आते हैं, इन सवालों के जवाब देने के लिए आप तैयार रहे, कम से सरकार को सामने आना चाहिए और एक इंटरेक्टिव सेशन कम से कम युवाओं के साथ लगना चाहिए। आप इंतजार करते रहते हैं कि भैया देश चले, युवा सड़क पर आए, आक्रोशित हो, अपने आक्रोश को दिखाते रहे और उसके बाद फिर आप उन्हीं के ऊपर आप हमला करने लगते हैं कि अरे देश की संपत्ति को आपने इतना नुकसान कर दिया। भाई जो अपनी संपत्ति बेचकर आया है, जिसने खुद को समाप्त कर लिया, अपना सब कुछ उसने बेच दिया, जिसके जीने मरने का प्रश्न है आज की तारीख में, वो क्या सोचेगा किसी और चीज़ के बारे में? आप परसों ही आप युवाओं के साथ एक संवाद रखते, आप इंटरेक्शन रखते, उनके तमाम सवालों का जवाब देते, बट ये जो गोल मटोल जो जवाब आते हैं भाई, जब आज की तारीख का युवा पढ़ा लिखा युवा या समझदार युवा, अगर आपके तर्क अगर सही होते वो समझता इस बात को, पर सब हाइपोथेटिकल सिचुएशंस का आप निर्माण कर रहे हैं। जितने मुख्यमंत्री हैं भैया, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमाम मुख्यमंत्रियों के मैंने बयान सुने कि अरे नहीं, इनको प्राथमिकता दी जाएगी, इनको प्राथमिकता दी जाएगी। भैया, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में आपके पास रोजगार देने की व्यवस्था नहीं है तो कहाँ पे प्राथमिकता देंगे आप इनको? बेरोजगारी के आंकड़े देखेंगे तमाम मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के, वहाँ पर बेरोजगारी दर कितनी ज़्यादा है, और फिर आप बोल रहे हैं कि भैया आपको प्राथमिकता दी जाएगी। किस चीज़ में आप प्राथमिकता देंगे? रोजगार है कहाँ आपके पास? आज केंद्र सरकार 8 साल के बाद तो आपको घोषणा करनी पड़ी कि भैया हम लोग 10 लाख हम लोग रोजगार देंगे, वो भी अगले 18 महीनों में, जिसमें से लगभग 8 लाख के करीब तो रिक्त पड़े पद हैं, जिनको आज आप भरने की आप बात कर रहे हैं। जब वो रिक्त पड़े पद भी जब आप भर लेंगे तो उसके बाद 4 साल के बाद आपके पास रोजगार कहाँ पे बचने वाला है? किसमें आप उनको प्राथमिकता देंगे? तो ये जो गोल मटोल जवाब आते हैं, इससे यकीनन देश का युवा, ये थे चिराग पासवान जिन्होंने कहा कि कल वो पटना की सड़कों पर एक जुलूस निकालेंगे, शांति का जुलूस होगा, वो हाथों पे पट्टी बांधे हुए राज्यपाल को ज्ञापन देंगे और जिस तरीके से केंद्र सरकार जो है स्कीम लग रही है अग्निपथ, उसका विरोध जो है वो इस तरीके से करेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।